हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 3 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 1 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। 2 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, एग्ज़ाम 3 अक्टूबर को हुआ था। तो आज के इस सेशन में हम लोग 3 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 kg है, वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। काहे? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बल लगाया जा रहा है 200 न्यूटन और साथ ही साथ वस्तु का द्रव्यमान कितना है 100 kg। आपसे पूछा जा रहा है A = what, क्या कहेंगे? F = गुरुजी MA होता है, F के जगह 200 को रखेंगे, मास के जगह 100 रखेंगे और A हमसे पूछा जा रहा है, तो 100 दूना कितना होता है 200 और A = क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 2 m/s² हो जाएगा। और हमारे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा सवाल है सर ये भी। आपसे पूछा जा रहा है कि पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। ऑप्शन दिया हुआ है 20 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है 18 यूनिट, तीसरा ऑप्शन है 2.0 यूनिट और आपका चौथा ऑप्शन है 1.8 यूनिट। बताइए इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना होगा। आप में से बहुत सारे मित्रों को तो ये याद ही होगा कि जब भी हम लोग H2O के आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये कितना होता है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये 18 AMU होता है। ध्यान में रखिएगा कि AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। अब आप में से बहुत सारे मित्र उंगली उठाएंगे कि गुरुजी हम लोग कैसे मान लें कि जो H2O है उसका आणविक द्रव्यमान 18 AMU होता है। तो मेरे मित्र, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए मैंने कई सेशन में आपको बताया है, और अगर आपको संतुष्टि ना हो तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी यौगिक का जो हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो उस यौगिक में जितने भी परमाणु या अणु होते हैं उपस्थित, उन सभी के द्रव्यमानों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उस यौगिक का क्या निकल जाता है, आणविक द्रव्यमान निकल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें H2O की, तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि H2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे सापेक्ष आणविक द्रव्यमान करके भी पूछा जा सकता है या सीधे सीधे आणविक द्रव्यमान करके भी पूछा जा सकता है, तो आपको डरना नहीं है। आपको दोनों ही केस में क्या करना है, दोनों ही केस में यौगिक में जितने भी परमाणु या अणु उपस्थित होंगे सभी के द्रव्यमानों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर बात करें H2O की, तो आप कहेंगे इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, आप बताओ कि हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। आप कहेंगे गुरुजी 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है तो 1 × 2 लिख दिए, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, आप कहेंगे गुरुजी 16 होता है, तो लीजिए हम लोग यहाँ पे 16 लिख देते हैं, 1 × 2 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ये 18 हो जाएगा। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इन सब टाइप के प्रश्नों को आप अपने एग्जाम में सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जा रहा है और कैलकुलेट हो जा रहा है तो आराम से ऑप्शन पे टिक करेंगे, इससे क्या होगा आपका समय बचेगा। और अगर आपको ना मालूम है तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आणविक द्रव्यमान क्या होगा या सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो आप इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, वो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि द्वि विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है। मेरे मित्र क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाना चाहिए था कि द्वि विखंडन द्वारा डैश में प्रजनन होता है, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्लेनेरिया, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, तीसरा ऑप्शन है लिवर फ्लू और चौथा ऑप्शन है अमीबा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें जनन की जो प्रक्रिया होती है वो द्वि विखंडन प्रक्रिया से। आप कहेंगे गुरुजी पहले ये बताओ कि ये द्वि विखंडन प्रक्रिया क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका द्वि विखंडन प्रक्रिया है ये क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे कि ये अलैंगिक जनन का प्रकार है।
ये क्या है? अलैंगिक जनन का प्रकार है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि द्विविखंडन प्रक्रिया को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। अब सवाल ये है कि गुरुजी, ये बाइनरी फिजन क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा प्रोसेस, अलैंगिक जनन का वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने शरीर को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, या जिसमें किसी जीव का शरीर दो बराबर भागों में बट जाता है और इस प्रक्रिया के थ्रू जो डॉटर सेल मिलता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे द्विविखंडन जनन प्रक्रिया बोला जाता है। सरल शब्दों में आप सभी कह सकते हैं कि जनन का वैसा प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का शरीर दो भागों में बट करके दो डॉटर सेल का निर्माण करता है, दो संतति कोशिका का निर्माण करता है, उसी को क्या बोला जाता है? द्विविखंडन प्रक्रिया बोला जाता है। ये क्या है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप कहेंगे बाइनरी फिजन। आप सबों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी, द्विविखंडन तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ, ये जो द्विविखंडन की प्रक्रिया है, ये किस प्रकार के जीवों में होती है? यानी कि द्विविखंडन प्रक्रिया से रिप्रोड्यूस करने वाले ऐसे कौन कौन से जीव हैं? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे एज अ एग्जाम्पल के तौर पे कि जो आपका अमीबा है, जो आपका अमीबा है और साथ ही साथ जो पैरामीशियम होता है, इन दोनों में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो किस विधि से होती है? आप सभी याद रखेंगे, द्विविखंडन प्रक्रिया से होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन। आप कहेंगे कि गुरुजी, तब तो हमारे ऑप्शन में प्लेनेरिया भी दिया हुआ है, तो ये बताओ कि प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, प्लेनेरिया की, और उसमें भी इसके जनन प्रक्रिया की, किसकी सर? इसके जनन प्रक्रिया की। तो प्लेनेरिया में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो पुनर्जनन मैथड से होती है। कौन से मैथड से होती है? पुनर्जनन मैथड से होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में रीजेनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजेनरेशन कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी, हमारे ऑप्शन में तो प्लाज्मोडियम भी दिया हुआ है, तो याद कीजिए, मैंने अपने सेशन में आपको बताया है कि जहाँ भी आपसे बात करा जाए कि प्लाज्मोडियम में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यानी कि जनन की प्रक्रिया कौन सी है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो बहुविखंडन प्रक्रिया के थ्रू होती है, यानी कि मल्टीपल फिजन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? बहुविखंडन प्रक्रिया यानी कि मल्टीपल फिजन के थ्रू होती है। ध्यान में रखिएगा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है विखंडन, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसमें जीवों का शरीर दो भाग में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं, और एक ऐसा विखंडन की प्रक्रिया होती है जिसमें जीवों का शरीर बहुत सारे डॉटर सेल का क्या करता है? निर्माण करता है, और इस प्रकार का जो फिजन होता है, विखंडन होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? बहुविखंडन जनन प्रक्रिया बोला जाता है, जो किसमें होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, प्लाज्मोडियम में होता है। और मेरे मित्र, आप सबों को यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो प्लाज्मोडियम है, इसी को क्या बोला जाता है? मलेरियल पैरासाइट बोला जाता है। इसी के चलते क्या होता है? तो मलेरिया नामक बुखार आता है, या आप कह सकते हो मलेरिया नामक रोग होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी, हमारे ऑप्शन में तो लीवर फ्लूक भी दिया हुआ है, ये क्या है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो लीवर फ्लूक है, जो आपका लीवर फ्लूक है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को शुद्ध हिंदी में यकृत प्रणाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यकृत प्रणाप बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि ये क्या होते हैं? ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ये क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल, यानी कि उभयलिंगी होते हैं। और साथ ही ध्यान में आपको ये भी रखना है कि ये जो आपका लीवर फ्लूक होता है, ये किस संघ के जंतु कहलाते हैं? तो प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतु कहलाते हैं। तो आप इसका संघ भी ध्यान में रखेंगे, ये आपका किस संघ का जंतु है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये प्लेटी हेलमेंथिस संघ का जंतु है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, या जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेन होते हैं, वो क्या होते हैं? तो आप कहेंगे बाइसेक्सुअल, यानी कि ये उभयलिंगी होता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी, हमारे चौथे ऑप्शन में अमीबा दिया हुआ है, तो अभी जस्ट आप सबों ने देख लिया है कि अमीबा में कौन सी जनन की प्रक्रिया होती है? द्विविखंडन। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जा रहा था, तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ऑप्शन दिया हुआ है स्नायु बंधन, दूसरा ऑप्शन है उपास्थि, तीसरा ऑप्शन है आपका कंडरा और चौथा ऑप्शन है अरोलर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मेरे मित्र, आप सबों ने कई दफ़ा याद करा होगा कि आपके शरीर में जो बोन से बोन को जोड़ता है, यानी कि बोन टू बोन जो ज्वाइंट होता है, बोन टू बोन जो ज्वाइंट होता है वो किसके वजह से? तो आप कहते हैं कि गुरुजी लिगामेंट की वजह से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी इसी को हिंदी में स्नायु बंधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्नायु बंधन बोला जाता है। यानी कि हड्डी से हड्डी किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? आप कहते हैं लिगामेंट के द्वारा या फिर हिंदी में स्नायु बंधन के द्वारा। और जब आप लोग बात करते हैं बोन टू मसल्स की, किसकी बात करते हैं? बोन टू मसल्स की, यानी कि हड्डी का मांसपेशी से जुड़ाव की, हड्डी का मांसपेशी से जुड़ाव की, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हड्डी का मांसपेशी से जुड़ाव या फिर मांसपेशी का हड्डी से जुड़ाव जो होता है वो किसके वजह से होता है? तो आप कहते हैं टेंडन के वजह से, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कंडरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंडरा बोला जाता है। और मेरे मित्र, लिगामेंट और टेंडन दोनों का हिंदी नाम भी याद रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसका हिंदी नाम भी दे दिया जाता है। जनरली स्टूडेंट क्या याद कर लेते हैं कि बोन से बोन लिगामेंट के थ्रू ज्वाइंट होता है और बोन से मसल्स या फिर मसल से बोन जो है वो टेंडन के थ्रू ज्वाइंट होता है। ये बात तो आपके माइंड में फिट रहता है, लेकिन आपके एग्जाम में हिंदी दे दिया जाता है और ऑप्शन में स्नायु बंधन और कंडरा रहता है, तो आप लोगों को लगता है कि ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, इसीलिए आप लिगामेंट और टेंडन दोनों का हिंदी नाम भी याद रखेंगे। बहरहाल, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, आप कहेंगे गुरुजी कंडरा, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो स्नायु बंधन भी दिया हुआ है, तो आप सभी कहेंगे किसके द्वारा? हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ रहता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका उपास्थि। मेरे मित्र, इसी को हम लोग इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। और आपका जो पंजर है, जिसको आप पजरा बोलते हैं, ये जो आपका कान लचीला है या फिर जो आपका ये नाक लचीला है या आपके गला में जो छल्ला है, ये सब के सब किससे बने होते हैं? उपास्थि से बने होते हैं, यानी कि कार्टिलेज से बने होते हैं। और ये क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे, लचीला और मुलायम। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो एरोलर भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि एरोलर भी क्या है, तो एक प्रकार का लचीला संयोजी उत्तक ही है। तो कहीं भी एरोलर लिखा हुआ मिले या एरोलर उत्तक लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना ये क्या है, आपका एक प्रकार का लचीला संयोजी उत्तक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं, ऑप्शन दिया हुआ है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 7। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मॉडर्न पीटी में उपधातुओं की संख्या कितनी है? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा भी भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि आप सबों के मन में 6 और 7 दोनों चल रहा होगा, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा भी भ्रमित नहीं होना है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रेलवे एग्जाम में कि मॉडर्न पीटी में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल उपधातुओं की संख्या कितनी है, तो आप सभी कहेंगे 6। आप सभी क्या कहेंगे? 6। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरु जी हमने तो 7 याद करा है, ऑब्वियसली याद करा होगा, बहुत सारे बुक अलग अलग दे रहे हैं और बहुत सारे बुक पॉलिनियम को उपधातु की श्रेणी से अलग रख रहे हैं, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। लेकिन रेलवे के एग्जाम में अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आप जो भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं उसमें आपको हर जगह क्या मिलता है, तो मॉडर्न पीटी में जो टोटल उपधातु की संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो आप सभी यहाँ पे 7 को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कहेंगे सर कौन कौन सा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला आपका जर्मेनियम है, दूसरा आपका आर्सेनिक है, और साथ ही फिर क्या है आपका, तो फिर सिलिकॉन है, उसके बाद सर एंटीमनी है, फिर क्या है सर, तो बोरोन है, और साथ ही क्या है, तो आपका टेलुरियम है। टेलुरियम
कितना हुआ सर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो आपका है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकन, एंटीमनी, बोरोन और टेलुरियम, इसको क्या बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। और इस श्रेणी से कुछ बुक पोलोनियम को हटा देते हैं जबकि कुछ बुक पोलोनियम को ऐड कर लेते हैं। तो जो ऐड करते हैं वो 7 बताते हैं, जो ऐड नहीं करते हैं वो 6 बताते हैं। तो आप सबों को क्या याद रखना है कि कुल उपधातुओं की संख्या 6 है, नाम उसका कुछ इस तरह से। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरु जी ये उपधातु क्या होते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी तत्व के कैटेगरी की, यानी कि किसी भी एलिमेंट के प्रकार की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा तत्व होता है उसको बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरीज में रखते हैं। और वो 3 कैटेगरीज है हमारा मेटल, जिसको हम लोग हिंदी में धातु कहते हैं, दूसरा हमारा होता है नॉन मेटल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा मेटालाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु। तो जो आपका उपधातु है वो क्या है, आप सभी याद रखेंगे, ये एलिमेंट का प्रकार है, यानी कि तत्व का प्रकार है। सवाल ये है इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, सरल तरीके से किया जाएगा। भाई मेरे, आप सभी कहते हो कि गुरुजी ऑल द मेटल्स हैव अ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी धातु हैं उन सभी का ये गुण होता है कि वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इसीलिए हम लोग इस आधार पे ये कहते हैं कि वैसी वस्तुएं जो विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालन करती है उसे क्या बोला जाता है, तो आप कहते हैं धातु बोला जाता है। और इसी तरह जो चालन नहीं करती है उसको आप क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी उसको अधातु बोला जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, जबकि नॉन मेटल वो है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो आपका उपधातु है ये वैसे तत्व होते हैं जिसका प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में होता है, यानी कि ये मेटल के तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल के तरह भी बिहेव करते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि उपधातु को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप सभी कहेंगे कि तत्वों का वैसा प्रकार जिसका गुण धातु और अधातु के बीच में पाया जाता है, यानी कि जो धातु और अधातु दोनों के तरह बिहेव करता है, उसी को क्या बोला जाता है, उपधातु, यानी कि मेटालॉइड बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी आपने अभी जस्ट बताया कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस प्रॉपर्टीज के बेस पे तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल जो है वो कंडक्टर होते हैं। भाई मेरे, शौक से कह सकते हैं, मेटल जो है वो क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और आप कहेंगे कि गुरुजी इसी बेसिस पे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल होंगे वो कुचालक होंगे। भाई मेरे, शौक से कह सकते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं वो कुचालक होते हैं, यानी कि इंसुलेटर होता है। तो आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी उपधातु तो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज ग्रहण किए हुए रहता है, तो उपधातु को क्या बोला जाएगा। तो मेरे मित्र, आप सबों ने कई बार पढ़ा होगा कि मेटालाइड आर यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि उपधातु का उपयोग अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो उपधातु होते हैं वे क्या होते हैं, आप कहेंगे अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं। और आप सबों ने कई दफा सिलिकन का नाम सुना भी होगा कि ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, या फिर अर्धचालक बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे गुरुजी इसका आंसर क्या होगा, तो भाई मेरे, क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं। आप कहेंगे गुरुजी 6, तो सही आंसर आप सभी कहिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि पुरस्त ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रीसन, दूसरा ऑप्शन है मूत्रमार्ग, तीसरा ऑप्शन है मूत्र नली, चौथा ऑप्शन है ब्रिक। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पुरस्त ग्रंथि से जो होने वाला स्राव होता है वो कहाँ पे प्रवेश करता है। आप कहेंगे गुरु जी पहले ये बताओ, ये जो पुरस्त ग्रंथि है इससे स्रावित क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, पुरस्त ग्रंथि की, किसकी बात करते हैं, पुरस्त ग्रंथि की, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये स्रावित क्या करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये पुरस्त द्रव स्रावित करता है।
क्या स्रवित करता है? पुरस्थ द्रव स्रवित करता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में प्रोस्टेट फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोस्टेट फ्लूइड बोला जाता है। आप कहेंगे गुरुजी इस प्रोस्टेट फ्लूइड का काम क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सीमेन के स्मेल का कारण कौन होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, यानी कि सीमेन में जो एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है वो किसके मौजूदगी के चलते होती है? तो प्रोस्टेट फ्लूइड के मौजूदगी के चलते होती है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो पुरस्थ ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होता है? तो आप कहेंगे कि ये मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा, ध्यान में रखिएगा कि मूत्र मार्ग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये मूत्र मार्ग से लेकर मूत्राशय तक कनेक्ट रहता है। मूत्राशय तक क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखना, और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस पुरस्थ ग्रंथि में 2 दर्जन नलिकाएं पाई जाती है। पुरस्थ ग्रंथि में क्या होता है? 2 दर्जन नलिका पाई जाती है जो मूत्र मार्ग में यानी कि यूरेथ्रा में खुलती है, तो आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? कि पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। आप कह रहे हो कि गुरुजी पुरस्थ ग्रंथि से जो है वो पुरस्थ द्रव स्रवित होगा, और पुरस्थ ग्रंथि में 2 दर्जन नलिकाएं होती है जो मूत्र मार्ग में खुलती है। तो जाहिर सी बात है कि पुरस्थ ग्रंथि से जो स्रवित होने वाला पुरस्थ द्रव है वो कहां पे जाके प्रवेश करेगा? आप कहेंगे मूत्र मार्ग में। तो भाई मेरे आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। ऑप्शन दिया हुआ है अधिचर्म कोशिका, दूसरा ऑप्शन है मृदु ऊतक, तीसरा ऑप्शन है अस्थायी ऊतक, और चौथा ऑप्शन है संयोजी ऊतक। मेरे मित्र अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप में से किसी स्टूडेंट को नहीं भी मालूम है तो थोड़ा सा अगर आप माइंड अप्लाई करेंगे तो आप 100% सही जवाब दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, बताइए। ना बनेगा, आप कहेंगे आसानी से बन जाएगा। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है चींटी का डंक। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरु जी चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जबकि आपको क्या बताना है कि ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ध्यान दीजिएगा कि आपका दूसरा ऑप्शन है इमली। आप कहेंगे पीछे के सेशन में बताया है आपने, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। और आपका तीसरा ऑप्शन है टमाटर। आप कहेंगे कि गुरु जी यह में ना ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, और भी कई तरह के अम्ल इसमें पाए जाते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो टमाटर में भी पाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन खट्टा दूध। तो मेरे मित्र आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जब दूध खट्टा हो जाएगा तो उसमें कौन से अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा? आप कहेंगे लैक्टिक एसिड का, यानी कि लैक्टिक अम्ल का। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। मेरे मित्र यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, और रिएक्शन है आपका कि 2PbO जब कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब ये 2Pb और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ले। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया के संबंध में जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, दूसरा है लेड अपचयन होता जा रहा है, और तीसरा है कार्बन का उपचयन हो गया, और आपका चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है। क्या होगा इसका सही आंसर?
यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन दिया गया है और आपको बताना है कि इसके संबंध में जो चार स्टेटमेंट आपके ऑप्शन में लिखा गया है उसमें से कौन कौन सा गलत है। आप कहेंगे कि गुरुजी जिस तरह से स्टेटमेंट लिखा गया है उससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है यहाँ पे झोल किसका है, तो झोल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, किसका झोल है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मेरे मित्र इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये मालूम ना हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। आप कहते हैं कि गुरुजी ऑक्सीडेशन के प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है जबकि हाइड्रोजन क्या होता है? हटता है। और रिडक्शन के प्रक्रिया में क्या होता है? जस्ट उल्टा, हाइड्रोजन जुटता है जबकि ऑक्सीजन क्या होता है? हटता है। इतना तो आप सभी जानते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑक्सीडेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे ऑक्सीकरण। प्योर हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखना कि प्योर हिंदी में इसको हम लोग उपचयन कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन के बारे में आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसी को तो अपकरण बोला जाता है। शुद्ध हिंदी की बात करी जाए तो आप सभी याद रखना कि इसको जो है इसको अपचयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपचयन बोला जाता है। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? अब हम लोग को इस रिएक्शन पे अपना माइंड अप्लाई करना है। क्या कहेंगे कि गुरुजी जो रिएक्शन देख रहे हैं तब पता चल रहा है हम लोग को क्या कि जो कार्बन बेचारा यहाँ पे अकेले था इसके साथ ऑक्सीजन जुट रहा है और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुट करके क्या बना ले रहा है? तो गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब कार्बन का क्या हो रहा है? आप कहेंगे उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सी का उपचयन हो रहा है? सी का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ध्यान में रखिएगा कि सी का उपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तब जाके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे उपचयन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है जिसमें क्या हुआ है? तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा है और क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अब आइए PbO पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड कहते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इस लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के कार्बन के साथ जुट गया, जबकि लेड ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन बाहर आया, लेड ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन क्या हुआ? बाहर आया, तो लेड आपका क्या हुआ? तो सर अकेले रह गया। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि इससे ऑक्सीजन हट गया, किससे हटा? लेड ऑक्साइड से हटा, तो लेड ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ? आप कहेंगे अपचयन हुआ। मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि लेड ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ? आप कहेंगे अपचयन हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसी को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपको कहीं पे रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़े तो आप PbO की अभिक्रिया कार्बन के साथ दर्शा सकते हैं, जहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? तो PB यानी कि लेड फॉर्म हो रहा है और साथ ही साथ क्या फॉर्म हो रहा है? तो गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या हो रहा है? तो कार्बन का उपचयन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करें तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं? क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। अभिक्रिया आपका दे दिया गया है और अभिक्रिया आप समझ भी रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है। मेरे मित्र ये बताओ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है या कार्बन का? आप कहेंगे गुरुजी कार्बन का, और कार्बन का उपचयन हुआ तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुरुजी हमारे ऑप्शन का पहला स्टेटमेंट गलत है। क्या है? गलत है। ध्यान देंगे दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि लेड अपचयन होते जा रहा है। क्या यहाँ पे लेड का अपचयन हो रहा है या फिर लेड ऑक्साइड का हो रहा है? आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड का अपचयन होगा, ऑक्सीजन हटेगा तब ना हमको लेड मिलेगा, और अभिक्रिया में तो वही हो रहा है कि इससे ऑक्सीजन हट जा रहा है, किससे? लेड ऑक्साइड से, तब हमको क्या मिल रहा है? लेड यानी कि सीसा। तो यहां पे लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है ना कि लेड का अपचयन हो रहा है।
तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस हिसाब से तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा सर। ध्यान देंगे अपने तीसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कार्बन का उपचयन हो गया। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बिल्कुल ही फेवरेबल बात करा है तीसरा ऑप्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने भी लिखा है कि कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चौथा है कि लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो दिल की बात बोल दिया गया यहाँ पे, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है सही है और ऑप्शन डी है वो भी क्या है सही है, गलत कौन है? ए और बी, चूज क्या करना था? तो गुरुजी गलत ऑप्शन। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है? तो ऑप्शन सी में ए और बी दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 33 ग्राम है और द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। बताइए कल के सेशन में पहले ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, और अगर आपने कल वाला सेशन देखा है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है घनत्व, तीसरा ऑप्शन है तापमान, चौथा ऑप्शन है आयतन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो उत्प्लावन बल का मैग्नीट्यूड होता है वो लिक्विड के किस चीज़ पर डिपेंड करता है? आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये उत्प्लावन बल क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उत्प्लावन बल को क्या बोला जाता है, इसी को इंग्लिश में अपथ्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपथ्रस्ट बोला जाता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बियंड फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बियंड फोर्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे बी फोर क्या हो जाता है बियंड और एफ फोर क्या हो जाता है फोर्स हो जाता है। आप कहेंगे ये होता क्या है? भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव के भार में आभासी कमी महसूस होती है, और ये जो द्रव के भार में आभासी कमी महसूस होती है वो किस वजह से होती है? तो द्रव के द्वारा उस वस्तु पर जो ऊपर की ओर बल लगाया जाता है उस वजह से महसूस होती है। और ध्यान में रखेंगे कि जल में डुबोने पर किसी भी वस्तु के ऊपर द्रव के द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगाया जाता है उसी बल को क्या बोला जाता है? उत्प्लावन बल बोला जाता है। कोई भी पूछे उत्प्लावन बल क्या है, आप कहेंगे कि ये वैसा बल है जिसमें जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो जिस वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है वो ऊपर की ओर क्या करता है, तो द्रव के द्वारा एक बल को फील करता है, और वह बल क्या है? उत्प्लावन बल है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो उत्प्लावन बल का परिमाण होता है, उत्प्लावन बल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो आप ध्यान में रखना द्रव के घनत्व पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? द्रव के घनत्व पे डिपेंड करता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर डिपेंड करता है। आप कहेंगे गुरुजी आपने जब लिख ही दिया कि द्रव के घनत्व पर डिपेंड करता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक सोलर सेल किससे बना होता है। ऑप्शन दिया हुआ है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है टेफ्लॉन, तीसरा ऑप्शन है गैलियम, चौथा ऑप्शन है कार्बन। बताइए ना बनेगा? पीछे के सेशन में मैंने आप सबों को बताया है, और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल, बस ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सॉल्यूशन आप मुंह से कर सकते हैं, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक, और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 मिनट में 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है, किरण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बताइए न बनेगा? आप कहेंगे आसानी से बन जाएगा। काहे? तो टोटल दूरी दिया हुआ है 360 मीटर, कितना देर में कवर हो रहा है? तो गुरुजी 2 मिनट, 2 मिनट में कितना सेकंड? आप कहेंगे 120 सेकंड। तो 120 दिया, आप कहेंगे 360,
तो किरण का जो औसत चाल होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे 3 मीटर पर सेकेंड। तो देख लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड किस में है? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में है। तो सर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाप रे बाप, इतना हौला सवाल में अगर दिक्कत होगा सर तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन करा जा रहा है कि 1 किलोवाट इक्वल टू व्हाट। आप लोग कहेंगे सदाबहार 1000 वाट। तो सही आंसर सर, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे गुरुजी आपने पीछे के सेशन में कई बार सॉल्व करवाया है और अब इस क्वेश्चन के लिए हमको किसी कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। यानी कि पहले कंडीशन में कहा जा रहा है कि धारा है गुरुजी 4 एम्पियर, अब विभवांतर कितना है? विभवांतर कितना है सर? तो विभवांतर है 60 वोल्ट। तो आप हमको ये बताओ कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी प्रतिरोध इक्वल टू हो जाएगा 60 वोल्ट अब बटा 4 एम्पियर। यानी कि भी बटा आई सर प्रतिरोध होता है, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60। प्रतिरोध कितना आ गया चला? 15 ओम। अब दूसरे कंडीशन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? मेरे मित्र, खाली विभवांतर को बढ़ा करके 127.5 कर दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि धारा कितना होगा। आप क्या कहेंगे कि हीटरवा तो सेम ही ना है गुरुजी, प्रतिरोधवा तो सेम रहेगा। अजब भाई बाप, प्रतिरोध सेम रहेगा तो आर इक्वल टू 15 ओम तो यहाँ भी ना आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, और मेरे मित्र तो धारा नहीं निकाल सकते हैं आप। आप कहेंगे गुरुजी भी बटा आर से काय नहीं निकाल सकते हैं। तो लीजिए 127.5 अब बटा 15 कर दीजिए। सॉल्व आप करेंगे तो ये लगभग 8.5 एम्पियर के समथिंग आएगा और सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा है 60 यूनिट, 0.6 यूनिट, 600 यूनिट और आपका चौथा ऑप्शन है 6 यूनिट। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी ये भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपने ये भी बताया है कि जब भी क्वेश्चन में यूनिट क्या होगा ये पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन में जो हमारा वाट दिया हुआ रहता है और जो हमारा आवर दिया हुआ रहता है और जो हमारा डे दिया हुआ रहता है सबको गुना करके 1000 से भाग कर देते हैं। मेरे मित्र यही कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है तो इस्त्री एक दिन में खपत ऊर्जा करेगा। तो भाई मेरे आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस्त्री का जो वाट है वो है 750, प्रतिदिन कितना चलाया जाता है? तो सर 8 घंटा चलाया जाता है, कितना दिन का पूछा जा रहा है? एक दिन का, बटा क्या हो जाएगा? 1000। भाई मेरे जब आप इस जीरो को इसके साथ सेटल कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 25 तिया 75 होता है और 25 चौके 100 होता है, 4 दूना 8 और 3 दूना कितना होता है? 6। मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हो गया है यहाँ पे गलत, तो आप लोग इसको सुधार लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है दूरी, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है गति, चौथा ऑप्शन है त्वरण। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वो ये पढ़ते हैं कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को कहा जाता है, जैसे ही परिवर्तन की दर लगा हुआ रहता है आप समझ जाते हैं त्वरण कहा जाता है, जबकि गलत है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी बात करेंगे हम लोग किसकी, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, किसकी बात करेंगे? विस्थापन में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को,
तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको वेग कहा जाता है। और जब हम लोग बात करेंगे वेग में परिवर्तन की दर को, जब हम लोग बात करेंगे किसकी, वेग में परिवर्तन की दर को, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो आप सभी याद रखना इसको त्वरण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, त्वरण बोला जाएगा। ध्यान देंगे कि जब हम लोग विस्थापन में परिवर्तन की दर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि गुरु जी जो विस्थापन में परिवर्तन होता है वो एक्स एफ माइनस एक्स आई होता है। ये क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन, यानी कि जो हमारा फाइनल पॉइंट है और जो हमारा इनिशियल पॉइंट है दोनों को घटा देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, ये विस्थापन में परिवर्तन है। और इसी को जब हम लोग समय से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आप कहते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर, और एकरा क्या कहा जाएगा, आप कहिएगा वेग कहा जाएगा। और ध्यान देंगे वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि गुरु जी वी माइनस यू तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग गया तो इसको हम लोग वेग में परिवर्तन कहेंगे, अब बटा समय कर दिए तो ये क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर हो गया। तो आप ये डिफरेंसेस ध्यान में रखेंगे। बहरहाल क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है, आप कहेंगे वेग कहा जाता है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो परमाणु से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोला जाता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरु जी जब हम लोग परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा या तो हमको नाभिकीय विखंडन से मिलेगी, परमाणु ऊर्जा या तो हमको किससे मिलेगी, नाभिकीय विखंडन से मिलेगी, या फिर नाभिकीय संलयन से मिलेगी, या फिर हम लोग को किससे मिलेगी, नाभिकीय संलयन से मिलेगी। और जब हम ये कह रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा या तो नाभिकीय विखंडन से मिलेगी या फिर नाभिकीय संलयन से मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा से हम लोग को कौन सी ऊर्जा मिलती है, नाभिकीय ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा मिलती है, नाभिकीय ऊर्जा मिलती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं, आप शौक से कहेंगे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, और सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में रासायनिक ऊर्जा है, तो कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि किसी भी केमिकल से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसी को क्या बोला जाता है, रासायनिक ऊर्जा बोला जाता है। आप कहेंगे ऑप्शन में ऊष्मा ऊर्जा है, तो ऊष्मा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा कहलाएगी। चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सूर्य से जो आप लोगों को एनर्जी मिल रही है उसी को क्या बोला जाएगा, तो सर सोलर एनर्जी या फिर सौर ऊर्जा बोला जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-3 है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है आर्गन, और आपका चौथा ऑप्शन है सोडियम। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे गुरुजी ये तो चेक करना होगा। मेरे मित्र चेक तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, लेकिन आप सबों को टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, आप कहेंगे गुरुजी इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-2 हो जाएगा। दूसरा है हमारा एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-3 हो जाएगा। तीसरा है आपका आर्गन, एटॉमिक नंबर होता है 18, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8-8। और आपका चौथा है सोडियम, एटॉमिक नंबर होता है 11 और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8-1। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-3 है। आप कहेंगे गुरुजी एल्युमिनियम का, और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। गैर धातु की बात की जा रही है, मतलब अधातु की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु कौन सी है। पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, चौथा ऑप्शन है नियॉन। क्या कहेंगे आप कि गुरु जी 1000 बार आपने बताया है कि आवर्त सारणी के बाएँ तरफ धातु है जबकि दाएँ तरफ क्या है, अधातु। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि एकमात्र इकलौता हाइड्रोजन ऐसा अधातु है
जो आवर्त सारणी के बाएं भाग में वर्ग एक में मौजूद है। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा इकलौता अधातु है जो आवर्त सारणी के बाएं भाग में वर्ग एक में मौजूद है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। ऑप्शन है एक, एक से अधिक, तीसरा ऑप्शन है एक से कम, चौथा ऑप्शन है जीरो। आप क्या कहेंगे कि गुरु जी 1000 बार हम लोगों ने याद करा है कि किसी भी माध्यम का जो पूर्ण अपवर्तक सूचकांक होता है वो हमेशा एक से अधिक होता है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आपके 3 अक्टूबर के फर्स्ट सिक में साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसी क्वेश्चन के साथ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।